अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो पीछे है ना, ये मरियम लोग खेल रहे हैं, इनको इग्नोर करना पहले तो आप लोग। फ्रेंड्स, अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी सैरी से, फिर से जिससे मैंने कल का व्लॉग एंड किया था यहीं से। थोड़ी देर के बाद मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, मेरी एनर्जी इतनी लो है, लेकिन मैंने सोचा व्लॉग तो मैं स्टार्ट करूंगी और जो भी होता रहेगा मैं आप लोगों से व्लॉगिंग भी करूंगी, क्यों ना वीडियो भी आएगी, लेकिन व्लॉगिंग मैं साथ साथ करती रहूंगी। फ्रेंड्स, बाकी मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। फ्रेंड्स, के क्या कहते हैं कि आप लोग मेरी आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक नहीं इग्नोर करना। फ्रेंड्स, मैंने काजल लगाया था ना, तो वो भी जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। जब मैंने पहली बार रमजान व्लॉग स्टार्ट किया था तो मुझे आज भी याद है, मैं इतनी एक्साइटेड होकर स्टार्ट करती थी कि रमजान आ रहा है, और अभी इतने दिन गुजर गए रमजान में कि 30-24 दिन भी गुजर गए। फ्रेंड्स, मतलब यकीन ही नहीं आता। अभी तो मैंने, मुझे सच में बताओ, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी व्लॉग में कुछ रिकॉर्डिंग की थी रमजान की और अभी रमजान चला गया। खैर, अभी क्या कहते हैं कि वो दुख होता है रमजान जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तो नहीं, बस मुझे दुख होता है। मैं अपनी सहरी की तैयारी करती हूँ, मेरी आंखों में ना थोड़े से वो है ना, कहते नींद आ रही है ना मुझे इसलिए, और फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मम्मी ने यहाँ पे बनाया अंडा घुटाला। फ्रेंड्स, जब से अक्सा ने ये टेस्ट किया ना, अक्सा की थी मेरी सहरी में यही बनाया करो ना, कि रोज़ा वोजा रखती नहीं है, लेकिन उसको बस खाना। फ्रेंड्स, अक्सा ने 4 रोजे माशाल्लाह से रखी है और आगे भी इंशाल्लाह वो कोशिश करेगी, क्योंकि अभी इतनी एज नहीं, लेकिन एज के हिसाब से 4 माशाल्लाह से रख ली है, बहुत बड़ी बात है। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय बन रही है, यहाँ पे मम्मी का पराठा बन रहा है, और क्या कहते हैं कि मैं तो ये सब कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं खाऊंगी जो मेरी कज़न ने मेरे लिए भेजा है। फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा उसने कटोरी शवरमा भेजा, मैं तो यही खाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट भी भर गया, इतना मैंने सब कुछ खा लिया था, और बाकी मैंने सोचा जब उसने भेजा है फिर ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रूर खाऊंगी इसी को। फिर मम्मी ने लाइट ऑन कर दिया, इतना अंधेरा अंधेरा आ रहा था। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं कि फिर मैं वही करूंगी सहरी कटोरी शोरमा के साथ, इनको खाने दो, ये लोग जो भी खाते हैं यही खा रही हूँ सहरी में, और ये इनको देख के फ्रेंड्स ये लोग अपने, अक्सा की ये ट्रे है ना, अक्सा हमेशा इसमें ही खाती है, अक्सा इसके अलावा नहीं खाती। फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स ये जो मैं कटोरी शोरमा मैं टेस्ट करूँगी, अरीबा अगर मेरा ब्लॉग देख रहे तो अरीबा मैं आपको रेटिंग दूंगी, अम्मी लोगों ने तो बहुत तारीफ की इसकी, खैर मैं भी टेस्ट करके बताऊंगी कैसा बना है। अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, आप लोग सोचते हैं मैं हमेशा यहाँ पे आके व्लॉग की एंडिंग करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जाग रहे होते हैं, इतना सर में दर्द कर देते। और फ्रेंड्स, अभी जो मैंने कटोरी शोरमा अरीबा का टेस्ट किया था, अरीबा व्लॉग देख रहे हो ना, तुमने बहुत मजे का बनाया था, मतलब अरीबा का लेवल था फ्रेंड्स, वो इतना मजे का था, मेरे घर वालों को इतना पसंद आया, मेरे घर वाले का अरीबा को कहना बहुत अच्छा बना था। अरीबा देख दिया व्लॉग, तो यहीं पर करी व्लॉग एंड, इंशाल्लाह फिर सुबह मिलते हैं न्यू रूटीन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, लगता है कोई आ गया, जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया आई थिंक कोई आ चुका है। नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे के साथ साथ हम कर रहे हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। मैं डायरेक्ट अफ्तारी से इसलिए व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, पता है क्यों अफ्तारी बनाते हैं, क्योंकि और तो कुछ करने को नहीं होता, मैं बहुत सुस्त होती हूँ, जब मुझमें एनर्जी इसी टाइम आती है तो मैं इसी टाइम व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। पीछे अक्सर सो रही है, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में अफ्तारी की तैयारी करने, कुछ चीज़ें बनानी है। फ्रेंड्स, आपको पता है अम्मी ने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया, पैसे अम्मी मुझे कहते हैं तुम उठती नहीं हो, तुम्हें सारे सोना होता है, और क्या कहते हैं, कहती है कि तुम मतलब व्लॉग बनाना होता है, फिर मगर वो जब कर लेती है ना तो मैं फिर कहती हूँ नहीं नहीं मुझे व्लॉग बनाना था, आपने क्यों किया, तो इसीलिए अब वो मुझे कहती है मैं मैरिनेट करके रखती हूँ चीज़ों को, ताकि वो मसाला भी तो लो, फिर ऐसी जल्दी जल्दी तुम बनाओगे तो फिर मसाला ही आएगा। इसलिए भी इसके अंदर अम्मी ने पहले मैरिनेट किया है इसको, इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया है और ऐड किया है इसमें दही, और फिर इसको तकरीबन 1 घंटे तक मैरिनेट करके रखा है। फ्रेंड्स, हमारी जो डिश है उसका नाम है चिकन ब्रेड पॉकेट, उसमें क्रीम भी डलेगी, क्रीम जिसमें क्रीम डलती है ना मुझे डिश बहुत पसंद आती है, तो ऐसे इसमें ऑयल ऐड करेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें अपना चिकन कुक करना है। अभी करेंगे इसको अच्छे से मिक्स, मैं हमेशा रमज़ान में कोशिश करती हूँ एक ना एक न्यू चीज़ें बनाऊँ, मतलब ये नहीं कि एक रमज़ान में अलग दूसरे रमज़ान में फिर वही चीज़ें, तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अलग ही, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने रेसिपी देखी थी तो बस अम्मी ने भी मुझे कहा कि ये बनाओ ये अच्छी चीज़ है, तो हम लोग सोचे इस बार यही बनाते हैं। यहाँ पे अम्मी रोल बना कर रखे, मम्मा ये तो खुल गया, तो यहाँ पर अम्मी रोल बनाने की तैयारी कर रही है। खैर, हमारी डिश तो फिर से अच्छी होगी, अम्मी यही से रोल बना बना के मैं पका रही होती हूँ। फ्रेंड्स, आप हमारे घर में ना एक ही चीज़ अगर बनाने लग जाते तो बस वही बनाते रहते हैं, सबके घर में रहते हैं यही होता है, इसलिए मैंने बोला जब मुझे इतनी सारी डिशेस बनानी आती है तो मैं ये अच्छी चीज़ बनाकर दिखाऊंगी इनको। चिकन हमारा पक चुका है फ्रेंड्स फाइनली, और अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपनी क्रीम। तो इसमें तकरीबन मैंने 1 कप के जितना क्रीम ऐड किया है, अच्छे से मिक्स। तो अभी हमने शिमला मिर्च चॉप किए हैं, वो भी स्मैट कर लेते हैं, चॉपर में इसको चॉप किए ना, बस थोड़े से छोटे छोटे हो गए, और फिर यही हम लोग इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इतने बड़ी वीडियो शूट की, अम्मी को मैंने बोला आप कैमरा पकड़ो, मरियम नमाज पढ़ी थी। फ्रेंड्स, अम्मी ने ना वो दबाया ही नहीं था, और वो मेरी दिक्कत सिर्फ एंड की क्लिप शूट है, बाकी अम्मी ने कुछ
केक मेरे फ्रेंड्स रेडी कर दिया है, अभी मैं दूसरे से बताऊंगी दूसरे वाले को लेकर कि मैंने कैसे किया है। सबसे पहले हमें ब्रेड लेना और इसके चारों जो कॉर्नर है ना इसको बराबर कट कर देना। हमें इन दोनों को साथ मतलब बराबर रखकर बेलना है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं बिल्कुल मुझे इसे प्लेन सा लग रहा है ना, तो मैंने क्या किया एक गिलास लिया, मुझे एक गोल सी शेप बनानी है इसकी, तो मैंने गिलास लिया, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मैंने गिलास लिया क्योंकि मेरे पास गिलास था, तो इससे जो मिडल पार्ट है इसको यू करके यू करना है क्योंकि फ्रेंड्स हमें मिडल पार्ट चाहिए ना, इसलिए फिर से इसमें चिपक गया। खैर अभी ये वाला हिस्सा में चाहिए तो इसके साथ चिपक चुका है, इसको निकालो। ये हो चुका है हमारा गोल शेप रेडी फाइनली। करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना, पर इसको अंडे में डिप करना है और फिर इसी को हमें ब्रेड क्रम्स पर डिप करना है। तो जिस तरह फ्रेंड्स फूले ना उसे मैं फिर हम जो हमारी रेसिपी जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। हमें एक ये जो हमने बनाया ये लेना है, इसको बीच से हमने करना है फुल कट और फिर इसके अंदर देखिए हमारे पास ऐसा कोई टेक्सचर है। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर साइडों में सॉस लगाना है, साल करना है फ्रेंड्स, फटनी जो है, और उसके बाद हमें इसमें एक सैलेड सलाद का जो पत्ता है वो ऐड करना है और फिर इसके बाद हमने अपनी फिलिंग जो है वो इसमें ऐड करनी है। हमने जो कीरा जो है ना फ्रेश कट किए है ना वो इसके ऊपर लगा देना है और फिर फाइनली हमारा रेडी हो गया है जो हमारे ब्रेड पॉकेट है उसके लास्ट लुक वो है इस तरह, और ये वाले इस तरह रेडी हो चुके हैं। शरबत में फ्रेंड्स हम पानी पी रहे हैं लेकिन ये पानी नहीं है, गुलाब का शरबत है जिसका कलर ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रेंड्स अफ्तारी वगैरह मैंने कर ली है, फिर नमाज वगैरह पढ़ूंगी, फिर बाकी के काम देखती हूँ कि क्या करना है। कैसे गुजरा आपका? अच्छा अच्छा था ना, आपका हाथ कट गया दिखाओ, कटा हुआ। अच्छा अरे अभी दर्द हो रहा है? अभी हम लोग जाने लगे, मुझे कुछ काम है, मुझे मार्केट जाना है तो यहीं पे करीब है हमारे, तो क्योंकि मुझे अपनी ड्रेस के लिए लेसेस लेने, अर्जेंट लेसेस लेने क्योंकि मुझे अर्जेंट ड्रेस बनानी है अपनी, तो बस मैं भी जा रही हूँ। लोग यहाँ से पैदल पैदल जा रहे क्योंकि यहीं पे करीब हमारे अब इतने अच्छे लेसेस मिलते हैं, मुझे वहाँ से लेसेस देखने हैं और मैं देख रही हूँ। अभी हम लोगों ने लेसेस वगैरह खरीदे, इन्होंने चीज़ वीज ली अपने लिए, मैंने नहीं ली, मैं गंद बिल्कुल नहीं खाती, और अभी हम लोग जा रहे हैं बस घर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बस मुझे दो तीन लेसेस लेने थे अपने कपड़ों के लिए, एक दुकान से ली मैंने, फिर दूसरी शॉप से फाइनली मिल गए। यहाँ पे अभी घर आ चुका है, मैं आप लोग को अपना घर नहीं दिखाऊंगी। ओके दो गरीब बच्चे रास्ते में घूम रहे थे, हम ले आए अपने साथ। इसी में घर ही नहीं, मैं आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ ना, आजकल के बच्चे इतने बदतमीज है। देखिये यहाँ पे हमारा कैमरा था, मैं देख रही शायद हमारी गली कैसे उल्टी होगी, बाद में मुझे पता चला हमारी गली उल्टी नहीं है बल्कि किसी ने कैमरे में बॉल मार दी, देखिए पूरा कैमरा यू टेढ़ा हो गया। ऐसे आजकल के बच्चे ऐसे खेलते हैं ना, जैसे उनको खेलने की फिक्र होती है, दूसरों को नहीं पता होता कितनी क्या तोड़ो क्या तो। फ्रेंड्स अभी अभी मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि अभी मैं यहाँ पे क्यों एन ए वीडियो शूट किया है वो आप लोग के पास आ भी गया होगा, और मैं इतना थक गई उसको शूट कर करके बोल बोल कर फ्रेंड्स, तो यहीं पर मैं करी अपनी वीडियो एंड क्योंकि शूट करते करते टाइम भी गुजर गया। और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी जो पूरी टीम है वो एक इधर बैठी है और एक वोरी और एक ये छोटी बच्ची, हम सब ने मिलकर साथ इतना बोला है, इसने इनके मेरी वीडियो इतनी शूट की। मरियम थैंक यू सो मच, ठीक है ना। बाकी फ्रेंड्स इतना थक चुके हैं ना, मैं क्या बोलूँ, और आप लोग है कि उस वीडियो को शेयर ही नहीं करते फ्रेंड्स, हम लोग इतना थक जाते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, और इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।